यहाँ हर जिले से उपस्थित हैं महिलाएं, हमारी मातृशक्ति बहनें। मैं जिले का तो नाम नहीं ले पाऊंगी, मैं इतने सारे जिलों से हर प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी मातृशक्ति बहनें कल से निकले हैं डोंगरगढ़ की मातृशक्ति माता जी की पूजा करके, पूजा अर्चना करके एक स्वरूपा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नशे की हालत में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए बेटियों को छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, और हम महिलाओं को आते जाते ही अगर समय रात हो जाता है तो नशे में धूर्त है ना अनाचार के शिकार होते हैं, एक्सीडेंट में जवान बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। माताओं को इससे बहुत प्रभाव पड़ता है कि उसका एक बढ़ता हुआ युवा बच्चा नशे की चपेट में आ रहा है, और इसे हर मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा दुख का जो समय होता है वो बिताना पड़ता है। और इसमें हम हाथ में हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? हम अगर हम सब शक्तियाँ एक होकर दुर्गा काली और लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, और ऐसा लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी को हमारा ये पैदल चलते हुए जो हमने ग्रह उतारा है कि आगे चल के हमें उनका कहना मानना ही पड़ेगा, और उनको समर्थन देना पड़ेगा कि नशा मुक्ति और शराब बंद करवाएं। यही आग्रह और निवेदन है। श्रीमती निर्मला रजक हमारे साथ में, सुरजा चेलक जिला बलौदा बाजार से, सभी मातृशक्ति हमारे साथ है हर जिले की। युवा भी है और पूरा समाज भी इसमें शामिल है। आज का युवा कल की उसकी जिम्मेदारी यही है ना। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के लिए निकले हैं। 18 तारीख को बजट सत्र है, उसमें हम लोग यही सब मातृशक्ति चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करे करके। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को जगाने के लिए 13 तारीख को माँ बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना कर हम लोग पदयात्रा के रूप में निकले हैं। आज नांदगांव पहुँचे हैं और यहाँ से 16 तारीख रविवार को ज्ञापन देंगे ताकि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कर सके। देंगे जरूर, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक मुखिया है, पिता स्वरूप है, मानना तो पड़ेगा। क्योंकि हम मातृशक्ति हैं, पूरे अपने छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति एक होकर हम लोग उसे आगाज कर रहे हैं कि इस बार कम से कम शराबबंदी की घोषणा करे करके। सभी की घोषणा पूरी हो रही है और मातृशक्ति को पूरा उम्मीद है कि हमारी भी मांग पूरी होगी।